क्या कुछ कहना चाहोगे धाकड़ किस तरह की मूवी लगी आपको? एक्शन बीच में सही था, बाकी हमारे समझ में नहीं आया सही से। और कंगना का एक्टिंग कैसा था? एक्शन और अच्छी है भाई, नहीं सब अच्छा। क्या कुछ कहना चाहोगे धाकड़ देखकर किस तरह की मूवी आपको लगी? मुझे कोई खास नहीं लगी है, बट ये कि हाँ एक्शन वगैरह जो थे वो थोड़े दिखाए गए। कंगना का एक्शन किस तरह का लगा? अच्छा लगा, सिर्फ इंटरवल के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा। मूवी में कोई एक प्लस पॉइंट जो आपको नजर आया रहेगा? प्लस पॉइंट क्या पकड़ के नहीं रखा है, और एक्शन एक्शन जो था इंटरवल के बाद जो एक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। उससे पहले देख रहे थे कि बोरिंग, हल्का सा बोरिंग सा लग रहा था मेरे को भी, ऑलमोस्ट सभी लोग, कुछ लोग चले गए छोड़ के। और हाँ जो इंटरवल के बाद जो एक्शन आया वो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर स्टोरी थोड़ी घुमा दी गई, मतलब समझ में नहीं आया स्टोरी। 5 out of 5 stars हम 3 दे सकते हैं। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहोगे धाकड़ किस तरह की मूवी लगी? धाकड़ बहुत अच्छा मूवी है, और फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है, सेकंड हाफ भी अच्छा है, क्लाइमैक्स भी अच्छा है। धाकड़ परफॉर्मेंस दी बहुत अच्छी है, अर्जुन रामपाल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। दिव्या दत्ता का थोड़ा सा ये लग रहा है मिसकास्ट है। और कंगना का एक्शन कैसा लगा? एक्शन तो बहुत शानदार है। और स्टोरी लाइनअप में सबसे प्लस पॉइंट क्या लगा आपको? स्टोरी लाइनअप में बोर नहीं करती है, अब स्टोरी खोल तो नहीं सकते वरना पब्लिक क्या करेगी जाके। 5 out of 5 stars 5 में से 3.5। थैंक यू। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहोगे धाकड़ किस तरह की मूवी लगी आपको? धाकड़ मूवी बढ़िया है, एक्शन अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी है कंगना रनावत की, अर्जुन रामपाल की, दिव्या दत्ता की, बाकी सब ने अच्छा काम किया। एक्शन किस तरह का लगा आपको? एक्शन बहुत अच्छा लगा, मेरे ख्याल से अभी तक फीमेल में इस तरह का एक्शन देखने को नहीं मिला किसी भी फिल्म में, खासकर इंडिया में। तो हॉलीवुड पैटर्न पे बनाई हुई फिल्म है, थोड़ा सा कहानी पे काम करते तो और बेहतर फिल्म बन जाती। और अर्जुन रामपाल भी थे मूवी में, दिव्या दत्ता भी थी, उनका किरदार किस तरह का लगा आपको? एक्टिंग सभी ने बढ़िया की, एक्टिंग के लिहाज से फिल्म बहुत अच्छी है। 5 out of 5 stars भाई। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहोगे धाकड़ की परफॉर्मेंस कैसी रही? परफॉर्मेंस ओके है, जो भी आर्टिस्ट है कंगना रनौत ने, अर्जुन रामपाल, लेकिन पिक्चर की स्टोरी कुछ खास नहीं है। एक्शन किस तरह का लगा? एक्शन है अपना बॉलीवुड, अपना हॉलीवुड स्टाइल। कंगना का परफॉर्मेंस क्या कहना चाहोगे? कंगना का परफॉर्मेंस एक्शन वाइज ओके है। स्टोरी लाइनअप में आपको सबसे प्लस पॉइंट क्या लगा? स्टोरी ज़्यादा कुछ नहीं है सर, डायरेक्शन भी बहुत पुअर है, वीक है सर। सॉन्ग एक लास्ट सॉन्ग जो है वो मैं हूँ धाकड़ वो ठीक है। और 5 out of 5 stars दोगे? 2। थैंक यू सो मच सर। अरे भाई थोड़ा रहम था मेरे भी। क्या कुछ कहना चाहोगे मूवी किस तरह की लगी आपको? मूवी मैं कहूँगा अगर आप हॉलीवुड का एक्शन देखते हैं आपको पसंद है तो इट इज़ आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, क्योंकि ये था हॉलीवुड लेवल एक्शन था इसमें। थोड़ी सी मतलब जैसे वॉयलेंस होता है ना, है वॉयलेंस, और ऐसा कुछ वो नहीं है कि जैसे हॉलीवुड की पिक्चरें जो देखते हैं ना उनको इतना झेलने की आदत होती है। तो बहुत बढ़िया पिक्चर थी एक बॉलीवुड, जो डायरेक्टर का मैं नाम भूल चुका हूँ, उन्होंने डायरेक्टर। कंगना का एक्शन किस तरह का लगा आपको? नेक्स्ट लेवल। क्या कुछ कहना चाहोगे स्टोरी लाइनअप में सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या था? स्टोरी लाइन काफ़ी ट्विस्ट है, वो काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मतलब कहीं कहीं पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेडिक्टेबल हो रही थी, बट फिर एक अचानक से जैसे ट्विस्ट ले रहा था ना तो लग रहा था अरे यार सही काम किया है। कोई ऐसी बातें जो काफ़ी अच्छी लगी, कोई ऐसा क्लाइमैक्स कैसा लगा आपको? क्लाइमैक्स वाज रियली गुड एकदम, मतलब मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे। 5 out of 4.2। अर्जुन रामपाल ऐसे विलेन इसमें दिखाएगा, उनके बारे में क्या कहना? नेक्स्ट लेवल। हाँ, मैंने उनको बहुत 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 सालों बाद उनकी देखी कोई परफॉर्मेंस, बहुत बहुत बढ़िया रोल में, मतलब बिल्कुल ऐसे फिट हुए बढ़िया करके। थैंक यू सो मच। कैसे लगी आप? ओके, क्या कुछ कहना चाहोगे धाकड़ के बारे में? देखो मैं पहले नंबर यही बोलना चाहूँगा धाकड़ के बारे में, बाद में बोलूँगा मैं, पहले तो मैं बॉलीवुड के बारे में बोलूँगा। मतलब कि यार बॉलीवुड फिल्में हम लोगों को इतना निराश क्यों कर रही है? लगातार 4 हफ्ते से थिएटर में आ रहा हूँ, निराश होकर जा रहा हूँ। सुबह भूल भुलैया देखा, मॉर्निंग शो निराश किया, धाकड़ देखने के बाद डबल निराश हुआ। तो थोड़ा चलो भूल भुलैया देख के थोड़ा तो हंस तो लिया, लेकिन यार ये एक्शन क्या, मतलब कि हॉलीवुड फिल्में मैं एक्शन देख देख के पक गया हूँ। ये चीज़ है कि कंगना रनौत मैम जो एक्शन कर रही हैं यहाँ पे सुपर किए उन्होंने, मतलब क्या यार, मतलब कि इंडियन मूवी का वो एक बोलते हैं ना अमेजिंग एक्शन बोल सकते, एक लड़की एक लेडीज़ इतना हार्ड एक्शन, लेकिन स्टोरी नहीं इनके पास,
मतलब कि एक चीज़ बोलूँगा मैं कि बॉलीवुड के पास कोई अच्छी स्टोरी नहीं बची है, आप लोग स्टोरी पर काम करो प्लीज़। अर्जुन रामपाल यार क्या एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर है वो, उनका काम देखो विलन का, ओम शांति ओम। फिर उसके बाद एक और मूवी आई थी यार, नहीं है रावण, रावण, अरे क्या काम था उनका, उनका लुक देख के यार फिदा हो गया मैं, वाइट वाइट हेयर स्टाइल यार सुपर यार, टोटली कंगना रनावट सुपर, अर्जुन रामपाल टोटली धमाल। फिर अपना दत्ता, क्या नाम उनका, दिव्या दत्ता, बहुत अच्छा, लेकिन स्टोरी नहीं है बस। फाइव आउट ऑफ 10 स्टार, अरे क्या, वही टू स्टार, वही टू स्टार, बॉलीवुड करो यार।